कितने की है डाटा केबल? 35 रुपए की। आईफोन की है। ये मिनी स्पीकर कितने का है भैया? ये कितने का है? तो भाई साहब ठंडा पी लो। फोन है वन प्लस के, कितने के है ये? एक साल की गारंटी होती है इसकी। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आया हूँ गफार मार्केट, और गफार मार्केट के बारे में आपको पता है कितनी बड़ी गैजेट्स की मोबाइल्स की मार्केट है, और यहाँ पे दिखाऊंगा किस चीज का कितना प्राइस है और एक्सेसरीज क्या क्या है यहाँ पे, और बाकी स्ट्रीट व्यू भी दूंगा तुम्हें मैं गफार मार्केट का, तो आप वीडियो देखो गाइस। सो गाइज, ये है गफार मार्केट। यहाँ पे गाइज आपको मोबाइल और गैजेट से रिलेटेड 90% चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी मोबाइल की शॉप्स देखने को मिलेगी, मोबाइल रिपेयर करने वाले दिखेंगे। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल रिपेयर करवाना हो, यहाँ पर हो जाएगा। और एक्सेसरीज की यहाँ पर कमी नहीं है, आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए हो मोबाइल की, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी गाइज, ये है गफार मार्केट का स्ट्रीट व्यू, आपको आइडिया हो जाएगा कि गफार मार्केट कैसी दिखती है। अब गाइज, गफार मार्केट के अंदर आपको कई सारी छोटी छोटी मार्केट्स दिखेंगी, जो कि एक कैटेगराइज्ड मार्केट है, जहाँ पर आपको कोई एक स्पेसिफिक सामान ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अब ये है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर देखने को मिलेंगे, किसी भी मोबाइल का कवर चाहिए हो आपको यहाँ मिल जाएगा। और मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो जो मैंने नोटिस किया, आईफोन के कवर भाई हर जगह है। यहाँ पे भी आपको आईफोन के बहुत सारे कवर मिल जाएंगे, कैसा भी कवर चाहिए हो आईफोन का वो आपको मिल जाएगा। बाकी कैटेगराइज्ड मार्केट से बाहर निकलने के बाद आपको छोटी सी गली दिखेगी और छोटे छोटे दुकानदार दिखेंगे, यहाँ पर आपको एक से एक एक्सेसरीज मिल जाएंगी, पर सारी कॉपी होंगी। अभी गाइज, इनके प्राइजेस का मैं आइडिया दे देता हूँ आपको शॉपकीपर से पूछ के। बाकी ये जो कॉपी कनेक्टर्स मार्केट में बिकते हैं 100, 150, 200 के, जो कि टाइप सी टू बॉक्स होते हैं, इनके पास 20-30 रुपए से चालू है। कितने की है डाटा केबल? 35 रुपए की। आईफोन की है? कॉपी आईफोन की है, कंपनी वाला नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, समझ। ये कनेक्टर कितने का है? 20 रुपए का। ये सी टाइप से ऑक्स का लगाने के लिए एक दे ही दो आप। बीस रुपये का ये? अच्छा, एक ये दे दो। ये मिनी स्पीकर कितने का है भैया? 130 रुपये। 130 का? हाँ। ये कितने का है? ये 190 रुपये का। 190 का। ये 005 है, 220 रुपये का। 220 रुपये का। ये भी वही है? ये 60 रुपए का। 60 रुपए का। हाँ जी, ऑनलाइन बहुत दिख रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया? सौरभ। तो अंकल आपका नाम क्या? विनोद। विनोद, ठीक है, थैंक यू अंकल जी। एक अपना जाल वाला था मेरे। कौन से मैगी लिए? यूट्यूब। किस नाम से? निक्कू व्लॉग। कितने कितने कवर अभी है ये? कवर तो यही है 50, 60, 70 वाले भी है। वन प्लस का है? 7 का। 7 प्रो नहीं है? आईफोन के दिख रहे हैं मेरे को तो ज़्यादातर। अच्छा, ठीक है भैया। वाले DJI? नहीं, ये है ज़ियून। गाइज, ये जो छोटी छोटी गली में शॉपकीपर्स हैं, इनसे अगर आप सामान लोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, पर सामान कितना जेन्युइन है वो आपको यहाँ खुद टेस्ट करके लेना होगा। अगर आप अच्छी दुकान पे जाते हो, अच्छी शॉप पे जाते हो, वहाँ पर आपको गारंटी मिलती है कि सामान जेन्युइन है। अब गाइज, आपको ऐसी गलियाँ हर कैटेगराइज्ड मार्केट के साइड में मिल जाएगी। ट्राई करना ऐसे शॉप से सामान लेने की अगर यहाँ पे आओ तो, क्योंकि सामान अच्छा निकलता है, मैंने एक दो बार लिया है। गाइज, ये है मेन गफार मार्केट का रोड। यहाँ पर आपको हर दो काउंटर छोड़ के एक मोबाइल बेचने वाला मिलेगा और एक मोबाइल रिपेयर करने वाला मिलेगा। स्मार्टफोन बेचने वालों के पास इतने सारे स्मार्टफोन है ना, आपको कोई भी स्मार्टफोन मिल जाएगा एक अच्छे प्राइस पे, पर स्मार्टफोन कितना जेन्युइन है वो आपको खुद टेस्ट करके लेना होगा। वीडियो में आपको दिख रहे होंगे रिपेयर करने वाले और फोन बेचने वाले, इनकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारे फोन देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस बार मुझे बहुत कम शॉपकीपर्स ने वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, न्यूज वाले आते हैं और जो बिना मास्क के चला रहा है या कोई खड़ा है उन पे वीडियो बनाते हैं और फिर न्यूज़ में दिखाते हैं, और फिर पूरी मार्केट को नुकसान झेलना पड़ता है।
बाकी आप स्ट्रीट व्यू एंजॉय करो। तो भाई साहब ठंडा पी लो। अब ये गाइज ये भी एक गफार मार्केट का पार्ट है, किसी से भी पूछ लेना सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के मार्केट कौन सी है, तो ये मार्केट वो है। ये तो बहुत ज्यादा फेमस पार्ट है, जो भी गफार मार्केट आता है इस पार्ट को विजिट करके जाता है। यहाँ पर भी आपको हर एक टाइप की चीजें मिल जाएंगी और रिपेयर वाले मिल जाएंगे। बाकी लोग इसको पटरी मार्केट भी बोलते हैं। मीडिया में तो नहीं जाएगी ना, पागल है क्या? क्या पता लगे कोरोना काल का चक्कर हमारे ऊपर घुमा दे बिना मास्क के भैया दुकान पे, ये देखो मार्केट बंद कर, आपकी शक्ल ही नहीं आ रही है, और हो जाओ ऊपर वाले में नहीं इजनो केरो ना रे मा कोते को के को पासाला मम्मा सीता पा मोनो दो के स्टा जैसे के तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो हर एक टाइप की बैटरीज, छोटे फोनों की बैटरीज और सेकंड हैंड छोटे फोन रिपेयर करवाने हो छोटे फोन यहाँ पर हो जाएंगे, फोन के सॉफ्टवेयर करवाने हो यहाँ पे हो जाएंगे, फ्लैश करवाना हो फोन को वो भी हो जाएगा यहाँ पे। 15,000 का रिंग लाइट कितने की है भैया? कौन सी? ये वाली 800 रुपए की, 1200 की। ये क्या है? डाटा केबल? एयरफोन है, ये एयरफोन है। वन प्लस के ओरिजिनल है क्या? कॉपी कॉपी। कितने के हैं ये? 200 रुपये। 200 का? एक साल की गारंटी होती है इसकी। अच्छा, ये कितने का है? गोरिल्ला बॉक्स कौन सा? हाँ रख लिया। ठीक है भैया, थैंक यू। ये कितने का है? हेडफोन? हाँ, साढ़े छः सौ का है। वायरलेस है? हाँ, लेना ये एक ही प्राइस है। साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हो आप इसकी, बिल्कुल भी साउंड क्वालिटी फटी की नहीं है ना इसके, बोल रहा हूँ ऐसा ही लगा लो। 100 रुपये की? ये कम से कम 100 रुपये की है, ये होलसेल प्राइस होता है। अब खोल देता हूँ मैं भैया, चेक कर रहा है। लेना। अब गाइज ये पार्ट आता है पटरी मार्केट के साइड वाली या कह सकते हैं पीछे वाली मार्केट का। यहाँ पे आपको मिक्स सामान मिलेगा, मिक्स और यूनिक सामान मिलेगा। आप यहाँ पे टीवी ले सकते हो, प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और काफी सामान मिल जाएगा जो आप यहाँ से परचेज करना पसंद करोगे। और गाइज ये बंदे आपको मार्केट में हमेशा तैयार बैठे हुए मिलेंगे, आपके काम में कोई देरी नहीं करवाएंगे, जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में करवा के दे देंगे। सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग, कंट्री कोड अनलॉक करवाना, फोन कुछ भी करवाओ जब ही करके दे देंगे आपको। और गाइज जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे, जो सबसे बड़ा स्कैम कह लो फ्रॉड कह लो जो चलता है वो टीवीओ पे चलता है। LED टीवी या LCD टीवी अगर यहाँ से आप ले रहे हो ना, तो वेरीफाई कर लेना ओरिजिनल है या कॉपी है। ये चाइनीज इंपोर्टेड टीवी होते हैं जिन पे एग्जैक्टली सेम कंपनी की ब्रांडिंग होती है, रिमोट पे भी ब्रांडिंग सेम मिलेगी आपको, और क्वालिटी में भी आप फर्क नहीं बता पाओगे क्योंकि उनके पैनल ही ऑलरेडी अच्छे होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो कंपनी ने नहीं बनाए। इसको पता लगाने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक तो आप स्टिकर्स पे हाथ लगा के चेक कर सकते हो, स्टिकर चीप क्वालिटी का लगे तो टीवी फेक है, कई बार ये स्टिकर भी अच्छी क्वालिटी का लगा देते हैं
हैं तो दूसरा अगर आपके फोन में IR सेंसर है ना तो शोर रिमोट या पील रिमोट वगैरह डाउनलोड करके, जैसे टीवी सोनी का है तो सोनी का रिमोट सेट करके उसको यूज करके देखो, अगर काम नहीं कर रहा तो वो टीवी फेक है, काम कर रहा है तो वो टीवी ओरिजिनल है। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।